नमस्कार मित्रों, साहित्य अने कायदा विषे आपणे जोई रह्या छीए। आ तेनो बीजो वीडियो छे। प्रथम वीडियो ना जोयो होय तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपेली छे, तेना परथी जोई शकाशे। जो तमे वीडियो पर नवा होय तो आपणी जीके गुजराती साहित्य चैनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करी लेवी, जेना कारणे आवनारा नवा वीडियोनी नोटिफिकेशन मळती रहे। हवे आपणे आ वीडियोनी शरूआत करीए। साहित्यना अभ्यासनी आम कायदाना संदर्भे जरूर अगत्य रही छे। जुडिशियल अभिगमने ते वधु सारी रीते समझावी सके छे, तेवो अभ्यास निर्णय न्यायमा उपयोगी निवडी सके छे। दांतेनी डिवाइन कॉमेडी कंईक जुदी रीते मृत्यु पछी पण न्याय सजा थाय तेवुं सूचवी रहे छे। दोस्तोयेवस्की के सोल्जेनियसिन जेवा रशिया नवलकथाकारोनुं जीवन ज न्याय कायदो कायदानु अंधत्व सत्ता ने झूलमी एड़ी वच्चे पसार थयुं छे। अनुक्रमे भद्र ब्रदर्स, केरे मोझेव अने ए डेड इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच जेवी नवलकथाओ कायदो अने साहित्यनी चर्चामां ते वच्चेना संबंधमां घणी बधी रीते उपकारक तो बने छे ज, पण त्यां कायदानी मजाक पण एटली ज सूचक बनी रहे छे। काफकानी ट्रायलमां पण ए प्रकारनी ठेकड़ी थई छे। आउटसाइडर पण संबंधोनी कायदानी कोर्टमां थता कन्फेक्शननी एक प्रकारनी उपहास लीला छे। वॉल स्वयंकाने ध मैन डाइडमां जेलनुं वर्णन मानवीय स्वातंत्र्य समाधान नहीं पण न्यायनी झीकर पुष्टे पुष्टे जोई शकाय। त्यां माणस अने स्वान बन्नेना मृत्युमां कसो भेद न हतो। शासकों कायदाने घोड़ीने पी जनारा हता, तेवो आ सर्वनो सीधो भोग बन्या होवाथी तेमना नाटकोमा अने तेमनी रोजनिशीमा सानो मानस कायदो अने सत्तानी क्रूरतानो केवो भोग बने छे ते बतावायुं छे। साथे साहित्यनो शब्द सत्य उजागर करवामां केवो मददरूप थई शके छे ते पण दर्शाव्युं छे। कायदो न्याय अने साहित्य एम आपना समयनी विवेचनानो एक महत्वनो हिस्सो बनी सके तेम छे। नियतिनी सामे मानस आदिकाळथी तेना आविर्भावथी जजूमतो आव्यो छे। कायदो साहित्य वच्चेनो संबंध घणी बधी वार खूटती कड़ियोने जोड़ी आपे छे। कायदो साहित्य पर प्रभाव पाड़े छे, केम ए मुद्दो होय तो पण उत्तम साहित्य कायदाने प्रभावित तो कर्यो छे ज। न्यायाधीश वकीलोने ते विषे पोताना निर्णयो लेता पूर्वे कशुक नवुं विचारवा माटे संकोरे छे। मननी आंटी घूटीनी साथे कायदाओमां परिवर्तन आव्युं छे तो तेमां छटक बारीओ पण वधी छे। परिणामे कमसे कम मानव प्रकृतिने समजवा वकीलो न्यायाधीशोए साहित्य वाचवुं वधु जरूरी बन्युं छे। ब्रधर्स केरेमोझेव अथवा क्राइम एंड पनिशमेंट केसल ट्रायल डिवाइन कॉमेडी अने रामायण अने महाभारत इलियड वगैरेना अगाउ थयेला उल्लेखों परथी समझी शकाय छे के साहित्य कायदा न्याय वगैरेने प्रत्यक्ष के परोक्ष रूपे पायानी उंडळमां लेतुं रह्युं छे। तो सामे कायदाना जान तलोए साहित्यना अभ्यास परत्वे वधु रस दाखवो पड़े तेवी स्थितिए पण आपणे आजे पहोंच्या छीए। हवे आपणे आगळ वात करीए। आपणे कायदो अने साहित्यना विमर्श संबंध विशे कही शकीए के तेने कोई सिद्धांतमां बांधी शकाय तेम नथी। तेने आपणे निश्चित कार्यका पद्धति जेवुं भाग्य ज ऊभुं करी शकीए। समय समये कायदो साहित्यना संबंध लक्ष्यमां राखी अलबत्त तेनो विचार करी शकाय। क्यारेक ते परस्परने संकोरी पण शके। साहित्य अने कायदो कोईपण प्रकारनो संबंध धरावता होवा छतां प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रीते आंतरिक संबंधोथी जोड़ायेला रहे छे। ए न्याय साहित्यमां कायदाने आपनी फरज समझवी अने तेना मूल्योनुं पालन करवुं तेवा प्रकारनुं सर्जन कार्य थाय छे। साहित्य कृतिओमां कायदाना संवर्धन माटे प्रयासो थवा माँड्या। आजे महिला माटेना बंधारणीय कायदाओने अनुसरीने केटली ग्राम चेतना
દલિત ચેતના, નારી ચેતના વિશે કૃતિઓનું આલેખન થયું છે. સાથે સાથે બંધુત્વ, સમાનતા, માનવતા પ્રેરિત જોગવાઈઓ જેવી કે સમાનતાનો અધિકાર, જ્ઞાતિવાદ, અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી જેવા વિષયોને કેન્દ્રમાં રાખીને થઈ રહેલું સાહિત્ય કૃતિઓનું સર્જન સમાજના લોકોને પ્રેરણાદાયી નીવડી રહ્યું છે.